लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा किशन सिंह सर किस्सा तमाम सुना होगा। पहली लाइनों में भगत सिंह के दादा और परदादा के बारे में लिखा कि उन्होंने इस देश में आजादी लाने के लिए बलिदान दिया। आइए सुनते हैं क्या बताया। जिन्होंने भी इस देशभक्ति रागनी पे मान सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कहा कि भगत सिंह ने यह सोचा था कि चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत मां के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। दूसरी लाइनों में भगत सिंह के बारे में और उसके परिवार के बारे में क्या लिखा दादा ने। हाँ!
सिंह ने जन्म लिया, उसका बाप जेल में जा रहा था। बाप जेल में जा रहा था। सिंह ने सिर चढ़ा रे, सिंह ने सिर चढ़ा रे, मेरे सिंह ने सिर चढ़ा उस सिंह का जाम सुनिया होगा। किसने सिंह सारे ताल थे, किसने बाप सुना होगा, किसका नाम सुना फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, जने कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी। कुछ लोग ये मानते कि इस देश में सिर्फ एकमात्र चरखे की वजह से आजादी आई, लेकिन मेरा अपना मानना ये नहीं है। अरे इस देश में आजादी लाने के लिए किसी औरत का सुहाग नहीं रहा, किसी माँ का बेटा नहीं रहा, किसी बहन का भाई नहीं रहा, कितने वीरों ने सीने पे गोली खाई, कितने वीरों ने फांसी के फंदे को चुमा, जब जाके आजादी आई अकेले चरखे से आजादी नहीं आई। इस देश में आजादी लाने के लिए 7,32,680 नौजवानों ने बलिदान दिया। अगर चरखे से आजादी आती तो इतने नौजवानों को अपना बलिदान देने की जरूरत नहीं थी। कहा कि इस देश में आजादी कैसी आई कि हिंसा अगर पढ़ ले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, हिंसा अगर पढ़ ले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन कर कायर नहीं बनता, गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का, उस नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने गांधी मर जाते आजादी का सैगान नहीं होता, आजादी का सैगान नहीं होता। और हमारा ये प्यारा सा बच्चा मोटू, हाय रे मेरे मोटू, हाय रे मेरे छोटू, पहले छोटा था बड़ा हो गया, फिर से 100 रुपए का पुरस्कार। इस बच्चे के लिए भी तालियां बजाओ क्योंकि देशभक्ति रागनी पे इसने पुरस्कार दिया है। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कहा पहले भी इस देश में नौजवानों ने बलिदान दिया और आज भी इस देश के नौजवान अपना बलिदान देकर जाते हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं? गौर फरमाइएगा कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या? कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर वो हाथी नहीं चढ़े थे क्या? अरे झांसी की रानी लड़कर राजधानी तुड़वा देती है, जहां पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये सारी घटना सूरज की लानी में रख देती है। अरे ये भारत देश वो महान देश है जहाँ की वीरांगना हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। ये वो देश है जहाँ ऐसे ऐसे वीर हुए, ऐसी ऐसी वीरांगना हुई जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, इस देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण नौछावर कर दिए। तीसरी लाइनों में भगत सिंह के बारे में क्या बताया।
छोटा सा एक चैनल है, ये सारा कार्यक्रम जितने भी डांस होंगे, जितनी भी रागनियां होंगी, सारी रागनियां सारा डांस YouTube के ऊपर दीपा फिल्म्स चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को देखने को मिल सके, और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी करके बताइए रागनी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।